ये वाला भी आया था कि आपकी लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। रेक्टिफायर क्या होता है? स्टेबलाइजर, ट्रांसफॉर्मर, फिल्टर। ठीक है, तो इसका आंसर था जैसे कि रेक्टिफायर। ये सब पढ़ेंगे आप, जस्ट मैंने क्वेश्चन रख दिया, अभी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना? रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर, फिल्टर, ये पता रहेगा तो फिर आपको ऐसे ही रेंडम स्टेबलाइजर अपने आप मैच हो जाएगा, ठीक है ना? स्टेबलाइजर वोल्टेज कंट्रोलर की तरह यूज होता है घरों में, हम रहता है, हमको पता है इसलिए, ठीक है ना? यूज फॉर कॉन्स्टेंट आउटपुट और इवन द इनपुट। हाँ ठीक है, तो फ्रिज में भी लगा होता है, सब जगह लगा होता है, तो आप थोड़ी कॉमन सेंस से इसको बात कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर हम पढ़ चुके हैं, रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, फिल्टर का मतलब जैसे एसी में से कुछ हटाना हो, डीसी इनपुट और ये सब, वो आपका फिल्टर होता है। हाँ, स्टेप फिल्टर क्या होगा? सी सेकेंड होना चाहिए, नहीं सी इसने फर्स्ट क्यों दे रखा है, ए सेकेंड दे रखा है। रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज, हाँ ठीक है, रेक्टिफायर ये करेंगे। स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन, हाँ सी सही है। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर इसको, हाँ रिपल, ठीक है, डी थर्ड होगा, ठीक है, सेकेंड आंसर है, ठीक है ना? तो ट्रांसफॉर्मर आप पढ़ लेंगे, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया आपने पहले ही, रेक्टिफायर आपको पता है स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? रेक्टिफायर अभी पढ़ेंगे हम, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। स्टेबलाइजर फ्रिज में लग रहा है, बहुत वोल्टेज को कंट्रोल करता है आपके घर में, तो स्टेबलाइजर का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है? फिल्टर क्या करता है, एसी में से डीसी, एसी में से डीसी रिपल भी हटा सकते हैं, डीसी चाहिए तो एसी रिपल को हटाता है, ठीक है? यूज टू रिमूव एनी रिपल इन द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ये भी इस बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से, ठीक है?